हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटस है और ऑल इन एप्लीकेशन के बारे में। एक यह एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप जानोगे कि आप किस प्रकार से अपने व्हाट्सएप के, अपने इंस्टाग्राम के, अपने फेसबुक के, ट्विटर के जो वीडियोज़ होते हैं, जो स्टेटस वगैरह होते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह होती है, उसको आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो और किस प्रकार से इस एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, मेरा नाम है अनिल कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आई ना क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम बात करने वाले हैं स्टेटस सेवर एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने व्हाट्सएप के, अपने इंस्टाग्राम के, अपने ट्विटर के, फेसबुक के वीडियोज़ को, स्टोरीज को, अपने स्टेटस को, वीडियो इमेजेस को आदि को आप आसानी से इस एप्लीकेशन के द्वारा एक सिंगल क्लिक में आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसी पोस्ट के नीचे में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से। ओके, तो ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो ये आप सिंपली इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो सिंपली मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसका जो स्टेटस है, जो इसका जो मेन स्क्रीन इस प्रकार की होगी, एंड आपको इसमें परमिशन देनी होगी कि आपकी जो एक फोटो को एक्सेस कर सका यहाँ से, क्योंकि आप जब इसमें स्टेटस वगैरह डाउनलोड करोगे तो वो फोटोज इमेज वगैरह कहाँ पर सेव होगी। तो इस कारण से आपको ये क्या पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि हम जो फोटो वगैरह है उसको कहाँ पर डाउनलोड करोगे। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर फेसबुक का मिल गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड गैलरी के अंदर आप जो भी व्हाट्सएप जितनी भी आप स्टेटस वगैरह इमेज वगैरह डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पर आपको सिंपली वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो हम जब हम बात करते हैं फेसबुक के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की, हम फेसबुक के जो वीडियोज़ होते हैं उनको हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपको फेसबुक की क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली इस प्रकार डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये तो ऐड आता है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको और भी बेटर अंडरस्टैंड लेनी इसके अंदर, तो आप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद नीचे देखोगे यहाँ पर, तो फेसबुक के बारे में पूरा बता रहा है कि आप किस प्रकार से फेसबुक जो वीडियो वगैरह होते हैं उसको आप किस प्रकार डाउनलोड करोगे। सिंपली यहाँ पर दिख रहा है पेस्ट लिंक। ओके, तो सिंपली क्या करना है, आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है। तो मैं अपने यहाँ पर फेसबुक को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो हम चलते हैं अपने फेसबुक के ऊपर और यहाँ से हम चलते हैं वीडियोज़ के अंदर। ओके, और जो वीडियो, यानी ये मान लो हमारे पास ये वीडियो आ गया, इस वीडियो को सिंपली क्लिक कर यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है आपको, शेयर पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप इसके लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, इस यहाँ पर लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। और सेकेंडली शेयर पे जाऊँगी दोबारा से, एंड यहाँ पर सिंपली करके आप मोर पे क्लिक करोगे, और मोर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, स्टेटस और ऑल इन वन एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, और आइए इसका जो वीडियो का जो लिंक होगा आपका वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। डाउनलोड पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये आपको डाउनलोड जो लिंक का जनरेट करके दे देगा, और आपका जो डाउनलोड है यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे, एंड अगर डाउनलोड जो है जो वो डाउनलोड एक्टिविटी यहाँ पर आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से फेसबुक की जो वीडियोज़ को उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, हम किस प्रकार से इंस्टाग्राम की स्टोरेज को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो सिंपली हम चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो सिंपली वही स्टेप है, यहाँ पर भी आप अपने इसमें गेट आता है। तो ओके, तो सिंपली आप इसमें देख सकते हो इंस्टाग्राम की स्टोरेज को किस प्रकार से इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ की इमेजेस को। तो आप पेस्ट लिंक कर सकते हैं अपने प्राइवेट, इनकी इसमें देखा व्यू स्टोरी एंड डाउनलोड फ्रॉम प्राइवेट अकाउंट, क्योंकि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन करके भी अपनी जो भी स्टोरी वगैरह आप वहाँ पर आते हैं ना, उन स्टोरेज इमेजेस को आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली हम इसमें एक इसको लॉगिन करके नहीं देखेंगे, आप इसमें लॉगिन करके देख सकते हो। हम इसमें लिंक पेस्ट करके देखेंगे, हम इसमें लिंक पेस्ट करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरेज को इसमें डाउनलोड करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं इसके इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद में आप हम चलते हैं अपने जो हमारा था अकाउंट है, हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम जो कोई भी स्टोरी यहाँ से हम पिकअप कर लेते हैं। होम पे चलते हैं, किसी भी स्टोरी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो किसी की भी स्टोरी आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको क्लिक करना है। ओके, एंड लाइव चल रहा है। ओके, स्टोरी डाउन यहाँ पर चल रही है, स्टोरी आ गई यहाँ पर। सिंपली जो ऊपर कोने बटन तेज डॉट दिख रहे हैं ना आपको, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसका लिंक को कॉपी भी कर सकते हो, लिंक को यहाँ पर कॉपी करके, एंड आप वहाँ पर इसको यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर आके इंस्टाग्राम में इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन ये ओके, एंड सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, हम इसके शेयर टू जिंक क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर सिंपली जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्टेटस शेयर जो एप्लीकेशन का लिंक है यहाँ पर, जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे
और ऑटोमेटिकली इसका जो लिंक है हमारे इसे स्टेटस के अंदर यहाँ पर जाए इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। ओके, तो सिंपली डाउनलोड क्लिक करेंगे। डाउनलोड क्यों नहीं होगा, ये एंटर वैलिड यूआरएल बताएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी आपके इंस्टाग्राम पर स्टेटस वगैरह आएंगे, जो वीडियोज़ वगैरह आएंगे, जो स्टोरीज वगैरह आएंगी, उनको आप आसानी से इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसमें डाउनलोड करके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अच्छे तरह जानने के लिए आप सिंपली यहाँ पर इस ऊपर क्लिक करोगे तो इसके बारे में आपको सब चीज़ यहाँ पर बता देंगे। ओके, एंड इसके बाद हम चलते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में कि वो हम किस प्रकार से व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली हम चलते हैं व्हाट्सएप स्टेटस की ओर। तो व्हाट्सएप स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे आपकी। ओके, इसको हम क्लोज, व्हाट्सएप स्टेटस आपके सभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह सभी यहाँ पर आ जाएंगे। वो किस प्रकार से आएंगे, सिंपली क्या करना, अगर आपके व्हाट्सएप स्टेटस नहीं आती है, एमपीटी बताता है, ये इमेज वगैरह अगर एमपीटी बताते हैं तो आप क्या करोगे, इसके बाद में आ रही है एड वगैरह, इसमें क्या करोगी आप, सबसे पहले क्या करोगी अपनी जो व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप के ऊपर आपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। उसके बाद में जो स्टेटस है उसको ओपन, उसको ओपन करना है, स्टेटस को टैब है, जैसे हम चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर, सॉरी व्हाट्सएप ऑफ ही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर, स्टेटस में चलते हैं। स्टेटस के अंदर जो भी हमारे स्टेटस वगैरह हैं उनको ओपन कर लेंगे यहाँ पर। एंड स्टेटस को ओपन करने के बाद में हम चलते हैं बैक यहाँ पर। ओके, एंड सिंपली आप यहाँ पर इसको ऊपर एक बार रिफ्रेश कर लेना आपको यहाँ पर। तो जितने भी आपकी स्टेटस वगैरह होंगी, जो जितनी भी इमेज वगैरह होंगी ना, वो आपके यहाँ व्हाट्सएप के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। एंड आप डाउनलोड भी क्लिक करोगे सिंपली सी, जिसे मैंने इसे डाउनलोड करना है, सो क्लोज कर, इसको मैंने डाउनलोड करना है, डाउनलोड भी क्लिक करना आपको ऑटोमेटिकली आपको जो भी जो स्टोरेज होगा जो गैलरी के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी आपकी जो स्टेटस है वो सेव हो जाएगी। ओके, एंड हम बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर भी सेम यही मेथड है, आप सेम मेथड का क्लिक यूज करके आप इसमें कर सकते हैं। आप ट्विटर पे जाना, आपको ट्विटर पे जाने के बाद वहाँ पर जो भी स्टोरी वीडियो आपको दिखते हैं ना, उसमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड वहाँ पर जो भी आपको उसी पर लिंक के लिंक को वहाँ पर कॉपी लिंक करके उसको यहाँ पर डाल दूँगी, तो आप जो वीडियो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। एंड डायरेक्टली यहाँ पर शेयर टू करके आप जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो शेयर टू करोगे ना, तो वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है कौन सी स्टेटस वाली एप्लीकेशन है वहाँ का आइकॉन वहाँ पर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली लिंक यहाँ पर ले देगा और यहाँ से आप अपने जो ट्विटर है उसकी वीडियोस को यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे। एंड हम बात कर लेते हैं गैलरी की। तो गैलरी में क्या है, जो भी हमने फेसबुक की इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्टेटस हम जो डाउनलोड किए थे ना, वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जितने हमने फेसबुक की जो हमने वीडियो डाउनलोड किया था वीडियो आ गया यहाँ पर, इंस्टाग्राम ने हम किसी कोई भी डाउनलोड नहीं किया, व्हाट्सएप ने जो भी हमने वीडियो स्टेटस डाउनलोड किया था स्टेटस डाउनलोड वो आ गया यहाँ पर। ट्विटर में जो डाउनलोड करेंगे सभी, जितनी भी आप जो इमेज वगैरह स्टेटस वगैरह डाउनलोड करोगे ना, वो आप इस गैलरी के अंदर आ जाओगे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, इसको आप रन कर सकते हो, इनको आप शेयर भी कर सकते हो, यहाँ से व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, अपने कोई शेयर ऑप्शन किसी भी मार्केट में शेयर कर सकते हो, यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, एंड इसके बाद हम बात करते हैं रेड टैब, यानी कि आप अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके रेड टैब पे कर सकते हैं। और मोर एप्लीकेशन तो होगी, तो यहाँ पर बहुत सारे जो डेवलपर है इसका, इसने अपनी बहुत सारी एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है, बहुत ही अच्छी अच्छी एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है, उन एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं इजिली। एंड शेयर ऐप में क्लिक करोगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी वीडियो स्टेटस को व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आजकल क्या होता है कि जब हम कोई भी दूसरे के स्टेटस हमारे को अच्छी लगती है तो स्टेटस हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको मदद करेगी। आप किसी भी व्यक्ति की स्टेटस को अपने अगर किसी भी व्यक्ति की स्टेटस को स्टोरेज को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ओनली वन क्लिक के अंदर। आप सिंपली इसमें एक लिंक पुट करना होता है और ऑटोमेटिकली आप जो स्टेटस वगैरह है कि दूसरे की स्टेटस है आप इसमें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा ट्यूटोरियल, इसमें हमने देखा कि हम किस प्रकार से वीडियो जो स्टेटस एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और हम किस प्रकार से जो स्टेटस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इस एप्लीकेशन को आप अपने एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी स्टेटस अपनी वीडियोस को अपने लोगों के साथ शेयर कर सके, दूसरे वीडियोस को स्टेटस को डाउनलोड कर सके और लोगों के साथ शेयर कर सके, एंड उनके उनको भी एक इस एप्लीकेशन का बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो ओके, तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई एप्लीकेशन के साथ, एक और नई स्टेटस, एक और नई टेक्नोलॉजी ज्ञान के साथ। ओके, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।